Good morning, dear student. I hope that yesterday we have completed a very loving, very heart-touching story, The Last Leaf. I am sure कि आप सभी ने उस चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया होगा और रिटन वर्क भी आपने कंप्लीट किया होगा. टुडे आई एम गोइंग टू शेयर अ अदर वेरी हार्टिंग स्टोरी दैट इज अ हाउस इज नॉट ए होम. इट इज एन ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी ऑफ द ग्रेट राइटर मिस्टर जेन गॉडस्मिथ. मिस्टर जेन जो कि खुद इस स्टोरी के मेन नरेटर हैं, उन्होंने अपनी लाइफ के एक एक्सपीरियंस को शेयर किया. हमेशा ऐसा होता है कि वेन एवर वी चेंज आर स्कूल, ओल्ड स्कूल टू न्यू स्कूल, तो वी फाइंड आवर सेल्फ इन ए डिलेमा. हम अपने आप को एक डिलेमा में पाते हैं. हम ये डिसीजन नहीं कर पाते कि मेरा नया स्कूल ज़्यादा अच्छा होगा मेरे पुराने स्कूल की अपेक्षा, जो मेरे ओल्ड स्कूल में जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्हें मैं कैसे छोड़ूंगा, जो ओल्ड स्कूल के मेरे टीचर्स हैं जो मुझे जानते हैं, जो मेरी केयर करते हैं, नए स्कूल में मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगा. ये एक डिलेमा उनके बीच में रहता है और इस डिलेमा की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं. कभी कभी क्या होता है कि एक ब्रिलियंट बच्चा भी डल हो जाता है और कभी डल बच्चा भी ब्रिलियंट बन जाता है. इट हैपन्स क्योंकि हर स्कूल का अपना एक अलग वे ऑफ टीचिंग है, वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, हर चीज़ अलग होती है. लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट हम एक डिलेमा में अपने आप को पाते हैं. फॉर एग्जांपल अगर एक छोटी सी बात करूँ, वी आर रनिंग अ बोर्डिंग स्कूल हियर इन नैनीताल, तो यहाँ जो बच्चे आते हैं वो डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे आते हैं. कुछ हिंदी मीडियम के हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के, कुछ CBSE के, कुछ ICSE के, कुछ UP बोर्ड के, कुछ अदर बोर्ड के आते हैं. सबसे बड़ा चैलेंज हम बीइंग ए टीचर, हम लोगों के पास ये नहीं होता कि वी हैव टू टीच देम. सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उन बच्चों की उन फीलिंग्स को एडजस्टमेंट में लाना कि वो जिस एनवायरनमेंट से आए हैं, जिस सराउंडिंग से वो यहाँ पर आ रहे हैं, उन्हें उस सराउंडिंग के साथ एडजस्टमेंट करते हुए चलना. बिकॉज जब स्टूडेंट नए सराउंडिंग में आएगा उसको टीचिंग देना बहुत इजी है, सिलेबस कंप्लीट करना बहुत अलग चीज है. लेकिन अगर हमारी फीलिंग्स अटैच नहीं हो रही हैं, अगर हम अपने आप को उस न्यू स्कूल से लिंकअप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है कि हम उस स्टडी को पाए. अक्सर देखा गया है कि गार्जियंस आते हैं, कंप्लेंट करते हैं हम लोगों से भी इस चीज़ में कि बच्चा हमारा उस स्कूल में इतना बढ़िया चल रहा था, यहाँ पर वो डाउन हो रहा है. तो ये उस सराउंडिंग्स का ही एक असर होता है. जो बच्चे ये मान लेते हैं कि आई एम हियर फॉर द बेटरमेंट, वो अपने आप को नए स्कूल के साथ में लिंकअप कर लेते हैं और वो उस एजुकेशन अकेडमिक की रेस में आगे निकल जाते हैं. दे यूज टू पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरी एक्टिविटी. टीचर को भी स्टूडेंट को समझने में थोड़ा समय लगता है कि जो बच्चा क्लास में गुमसुम बैठा हुआ है, बिल्कुल सैडी है, ग्लूमी मूड में बैठा हुआ है, उसको समझने में टीचर को टाइम लगता है. उसके बाद में टीचर कोशिश करते हैं कि हर बच्चा स्टेज तक जाना चाहिए, बोलना चाहिए और डिफरेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी उसे करना चाहिए, क्योंकि बी एक्स्ट्रोवर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है. और एक्स्ट्रोवर्ट कौन बच्चा होगा? वही बच्चा होगा जिसने ऐसे सराउंडिंग्स में अपने आप को डेवलप किया है, ग्रो अप किया है, जहाँ टीचर्स के साथ उसकी एक अच्छी ट्यूनिंग रही है, स्कूल में अदर स्टूडेंट्स के साथ, उसकी क्लासमेट के साथ में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, तो वो बच्चे बहुत ग्रो अप करते हैं. इसलिए एक्स्ट्रोवर्ट होना भी ज़रूरी होता है कि हम जब किसी नए स्कूल में जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले अपने बारे में वी शुड शेयर आवर फीलिंग्स विद द न्यू टीचर्स. और सेकेंडली, जिस क्लास में हम हैं उस क्लास के स्टूडेंट्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ में भी हमें अपने अच्छे टर्म्स बनाने चाहिए, अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए. ये बीइंग ह्यूमन, ये सबसे बड़ी एक चीज़ है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए. प्रेजेंट लेसन इसी चीज़ को लेकर चलता है. प्रेजेंट लेसन में कि यही बात बताई गई है कि
इस कहानी में अगर हम देखें तो ओवरऑल द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड मिस्टर जेन, जेन के अराउंड ही पूरी स्टोरी के घूमती है, क्योंकि ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, ही इज द पाइवट ऑफ द स्टोरी, सेंट्रल फिगर है इस स्टोरी का। ही वॉज सैड एज ही गॉट इनटू ए न्यू हाई स्कूल, दुखी था। क्यों? क्योंकि उसे एक नए स्कूल में एडमिशन दिलाया जा रहा था, उसका एडमिशन एक नए स्कूल में हुआ था, इसलिए वो दुखी था। अब नए स्कूल में और पुराने स्कूल के बीच का जो सिस्टम है, वो अपने आप को उस डिलेमा में पा रहा था कि क्या मैं उस नए स्कूल में एडजस्ट कर पाऊंगा। ही डिड नॉट हैव हिज ओल्ड फ्रेंड्स एंड वाज हिज जूनियर देयर, उस नए स्कूल में ना तो उसके दोस्त थे और दूसरा वो वहां पर एक जूनियर भी था, क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी उस नए स्कूल में पढ़ रहे थे वो तो उसके सीनियर हो गए। तो उसके मन में एक ये संशय था। He missed the old school and would visit it often. अपने स्कूल की उसे बहुत याद आती थी, और जब उसने दूसरे स्कूल में एडमिशन की बात आई तो उसने अपने टीचर से, अपने क्लासमेट से, अपने फ्रेंड से ये प्रॉमिस किया था कि मैं अक्सर आता रहूंगा तुम लोगों से मिलने के लिए। ये कमिटमेंट करना तो बहुत इजी होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा हो नहीं पाता। उसके पुराने स्कूल के जो टीचर्स थे, जो उसके वेल नोन थे, वो भी उससे कहते थे कि तुम अच्छे स्कूल में जा रहे हो, तुम वहाँ ये करोगे, तुम वहाँ वो करोगे, अपने आप को अच्छी तरह से एडजस्ट करना, केयर करना। लेकिन उसके मन में, जेन के मन में यह था कि मैं कैसे एडजस्टमेंट कर पाऊंगा। सो ही प्रोमिस्ड हिज टीचर्स एज वेल एज हिज ओल्ड क्लासमेट दैट आई वुड विजिट इट ऑफन, मैं अक्सर तुमसे मिलने आता रहूंगा। ही हैड एंजॉयड बीइंग ए सीनियर देयर, पुराने स्कूल में वो सीनियर था, इसलिए सीनियर होने के नाते जूनियर बच्चे, जूनियर स्टूडेंट उसका सम्मान करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, एंड ही वॉज एबल टू कंट्रोल ओवर देम। तो सबसे मेन बात होती है स्कूल में, क्लासरूम में, कि बीइंग ए सीनियर ही वॉज एबल टू कंट्रोल ओवर देम, उन पर एक कंट्रोल करने की, मोनोपोली करने की क्वालिटी ऑफ लीडरशिप डेवलप करने की थी, वो उसके अंदर वहां पर थी। To add to his miseries, और एक दिन क्या हुआ? He was very sad, दुखी तो वो था ही, उसी दुख में एक चीज के साथ और अटैच हो गई। One Sunday afternoon, एक दिन संडे में, afternoon की बात थी, 2-3 बजे का समय था, his house caught fire, उसके मकान में आग लग गई, जहाँ वो घर में रहता था उस घर में अचानक ही आग लग गई। Other than a few papers and photos of his father that were retrieved by his mother, they lost everything. घर में जितना भी सामान था सब कुछ जलकर राख हो गया, केवल कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स और उसके पिताजी के फोटोग्राफ, बस ये दो चीजें जो उसकी माँ बचा पाई थी बचा लिया। बाकी उस घर में जितना भी उनका रेफ्रिजरेटर, टीवी, ऑडियो वीडियो सिस्टम, बेडिंग, क्लॉथ, सब एवरीथिंग वाज लॉस्ट, सब कुछ खत्म हो गया आग से, सब कुछ बर्न टू एशेस, एवरीथिंग वाज बर्न टू एशेस, जलकर राख हो गई। जेन डिड नॉट इवन हैव ए पेयर ऑफ शूज, यहां तक कि उस बच्चे के पास में पहनने के लिए एक जोड़ी जूते भी नहीं थे, क्योंकि जितने थे देवर वन टू ऐसे सब जलकर खाक हुए थे, अब उसके पास जूते भी नहीं थे। यूनिफॉर्म तो बहुत दूर की बात रही। हिज पेट कैट वाज आल्सो मिसिंग, और सबसे दुख की बात क्या थी उस बच्चे के लिए कि उसकी जो क्यूट कैट थी, प्यारी सी एक बिल्ली जो उन लोगों ने पाल रखी थी, वो बिल्ली भी नहीं मिल रही थी। इट वॉज मिसिंग समवेयर। जेन और उसकी माँ ने घर के कुछ जले हुए कोने कोने को देख लिया, बट इवन दे कुड नॉट फाइंड द डेड बॉडी ऑफ द कैट, बिल्ली की डेड बॉडी भी उनको नहीं मिली। तो इसलिए वो बहुत परेशान थे कि आखिर हमारी प्यारी कैट कहाँ गई। अटैचमेंट ऑफ अफेक्शन था जिस एनिमल को हम अपने साथ, जिस पेट को हम अपने घर में पालते हैं, उसके साथ में हमारी
फीलिंग्स बहुत ज्यादा, इमोशंस बहुत ज्यादा कोरिलेट हो जाते हैं. सो दैट्स व्हाई बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग ए चाइल्ड, जेन हैज ए ग्रेट फीलिंग्स ऑफ अफेक्शन विद हिज कैट. तो वो बहुत दुखी था, बहुत मिस कर रहा था उस कैट के लिए. जेन गॉट डिप्रेस्ड एंड डिड नॉट वॉन्ट टू अटेंड स्कूल. अब उसकी जो मेंटल कंडीशन थी वो क्या था, वो डिप्रेशन में आ गया कि मेरी यूनिफॉर्म भी नहीं है, मेरे पास शूज भी नहीं है, सारी बुक्स कॉपी सारा हाउस होल्ड थिंग्स डेली रूटीन की जो सारी चीज थी वो सब बर्न टू एसेज हैं, तो मैं कैसे सरवाइव करूंगा. इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा. विदाउट बुक, विदाउट यूनिफॉर्म, हाउ दैट इज पॉसिबल टू अटेंड स्कूल. He realized that he could not soak up in his sadness as they had to rebuild their life. उसने महसूस किया कि वास्तव में वो अपने उस sadness को कैसे revive कर पाएगा, क्योंकि उन्हें तो अपना पूरी life ही rebuild करनी. उन्हें जैसे कि घोंसला होता है, एक bird चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, तेज आंधी चले तेज बारिश हो उसका घोंसला हवा में उड़ गया तो तिनका तिनका बिखर जाता है. उसी तरह से एक बार घर के बिगड़ने के बाद उसको मेंटेन करना, उसे रिबिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है. इट्स अ ग्रेट चैलेंज. तो उसके दिमाग में सारी बात चल रही थी कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी क्या है. फर्स्ट प्रायोरिटी में सबसे पहले अपना घर या अपना स्कूल, व्हाट शुड आई डू. तो उसने सबसे पहले यही सोचा कि सबसे पहले तो अपनी लाइफ को ही सेटल करना जरूरी होगा. दे नीडेड ए न्यू हाउस. अब उनके लिए क्या जरूरत थी, सबसे पहले दे वर इन नीड ऑफ न्यू हाउस. न्यू हाउस के साथ साथ क्लोथ्स चाहिए थे, जितने क्लोथ्स वहां थे वो सारे जलकर राख हो गए थे. बुक्स चाहिए थी, बुक्स भी सारी खत्म हो गई थी, एटसेट्रा. एवरीथिंग व्हाटसोएवर वाज इन नीड फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ, एवरीथिंग वाज इन नीड. हर उस चीज की जरूरत थी तो जो जिंदगी की सर्वाइवल में जरूरी होती है. हर चीज को उन्हें जरूरत पड़ रही थी. दे डिड नॉट हैव एनी कैश, क्रेडिट कार्ड्स और आइडेंटिटी प्रूफ्स. उनके पास में ना तो कैश था, जो थे रुपए वो सब जलकर राख हो गए थे. कोई क्रेडिट कार्ड नहीं था, कोई डेबिट कार्ड नहीं था, कोई एटीएम कार्ड नहीं था, और सबसे मेन बात क्या थी कि आइडेंटिटी प्रूफ ही नहीं था उनके पास. सब कुछ जलकर राख हो गया. हाउ कुड दे क्लेम फॉर देयर आइडेंटिटी, इट वॉज The burning question at that time. सबसे बड़ा ये था कि अपनी आइडेंटिटी को हम कैसे प्रूफ करेंगे, who we are. सब कुछ जलकर राख हो गया. अब उसके लिए क्या करा उन्होंने फिर, and had to borrow money from his grandparents. इसीलिए उन्होंने अपने grandparents से पैसा उधार लिया, क्योंकि जिंदगी को तो आगे बढ़ाना होता है ना. और जब लाइफ को हम आगे बढ़ाते हैं तो वी आर इन नीड ऑफ अदर्स. मैन इज ए सोशल एनिमल. मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और बीइंग ए सोशल एनिमल वी कांट लिव अलोन. हम अकेले ना तो रह सकते हैं ना हम अकेले कुछ कर सकते हैं. वी आर मेड फॉर वन अनदर. एक दूसरे के लिए हम सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की लाइफ सर्वाइव में हम लोग सपोर्ट करते हैं और हेल्पफुल बनते हैं. तो इसी तरह से एक दूसरे का साथ देते हैं. तो वहाँ उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने उनको पैसा बोरो, उनको पैसा लेंड किया, उधार पैसा दे दिया. अब जब ये सारे चीज़ें हो गई तो उसने जेन ने स्कूल भी जाना शुरू करा. हालांकि अभी भी उसके पास में कई चीज़ों की बहुत बैडली नीड था. वो वन डे एट स्कूल, एक दिन स्कूल में जेन वाज एस्टोनिस्ट. एस्टोनिस्ट मीन्स आश्चर्यचकित होना, सरप्राइज्ड.
जेन वाज सरप्राइज्ड टू सी अ टेबल फुल ऑफ थिंग्स। एक दिन जब वो स्कूल में गया तो उसके क्लासरूम में बड़ी जो टेबल टीचर वाली होती है उस टेबल पर ढेर सारी चीजें रखी हुई थी, बुक्स, स्टेशनरी आइटम्स, क्लोथ्स एटसेट्रा। उसके सारा सिलेबस रखा हुआ था, बुक्स रखी हुई थी, कॉपी रखी हुई थी, पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर, एवरीथिंग वाज देयर। और सबसे ऊपर क्या, क्लोथ्स, नेकर, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, शूज, ये सारा सामान उस टेबल पर रखा हुआ था, विच हैड बीन कलेक्टेड बाय हिज क्लासमेट्स। अब ये सामान कहां से आया? जिस स्कूल में उसका एडमिशन था, जहां वो स्कूल पढ़ने जाता था, उसके क्लासमेट्स को जब ये पता चला, क्लास के बच्चों को पता चला कि ऐसे ऐसे जैन का हाउस जलकर खाक हो गया है एंड ही इज इन नीड ऑफ एवरीथिंग राइट नाउ, तो उन बच्चों ने, पूरी क्लास के बच्चों ने कलेक्शन किया और उससे उन्होंने वो सारी थिंग्स को परचेज किया था। दे वर हेल्पिंग जैन, वो वास्तव में जैन को हेल्प कर रहे थे। जैन वाज ओवरवेम्ड एंड मेड फ्रेंड्स। अब जैन ने जब ये देखा कि नए स्कूल के स्टूडेंट्स ने उसे कितना कोऑपरेट किया है, कि वो कितने इमोशन शेयरिंग हैं, कि पूरी क्लास ने मिलकर उसकी लाइफ सर्वाइवल में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है, तो इसलिए वो बहुत ही ज्यादा ग्रेटिट्यूड फीलिंग, कृतज्ञ हो गया उनका, और उसने उन सबको अपना फ्रेंड बनाया, उन सबसे उसने दोस्ती की। अब तक वो उस क्लास में एक इंट्रोवर्ट के तौर पर रहता था, चुप चुप रहता था, बट ही टर्न्ड टू एन एक्सट्रोवर्ट। अब वो उन सबके साथ घुल मिल गया, उन सबसे बातें करने लगा, उन सबसे उसने अपनी दोस्ती की। देवर इसलिए उन्होंने, अब ही केम आउट ऑफ द डिप्रेशन, जब उसे दोस्त मिल गए तो उनके साथ उसने अपनी सारी बातें शेयर की, और जब हम अपने दुख को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो हमारा डिप्रेशन खत्म हो जाता है। डिप्रेशन का कारण ही सबसे बड़ा ये होता है कि जब हम अपने अंदर ग्लूमी फीलिंग्स को केवल अपने अंदर हम लेकर चलेंगे, हम अपनी फीलिंग्स को किसी अदर के साथ में शेयर नहीं करेंगे, तो हम धीरे धीरे करके डिप्रेशन में आने शुरू हो जाते हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट, इट्स माय सजेशन बीइंग ए टीचर, कि जब भी लाइफ में ऐसा कोई डिलेमा आपके सामने आता है कि यू आर अनेबल टू टेक ए प्रॉपर डिसीजन व्हाट शुड आई डू, प्लीज कंसल्ट योर बेस्ट फ्रेंड। अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ में कंसल्ट करना चाहिए, अपने पेरेंट के साथ कंसल्ट करना चाहिए, अपने टीचर के साथ शेयर करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अदरवाइज प्रॉब्लम्स बैड से वर्स्ट होने में टाइम नहीं लगता है और फिर उसका रिजल्ट बहुत हवा हो जाता है। तो इसलिए अब वो डिप्रेशन से बाहर आ गया एंड रियलाइज दैट लाइफ वाज ब्यूटीफुल, और जैन ने तब महसूस किया कि वास्तव में लाइफ कितनी सुंदर है। लाइफ तो हमेशा ब्यूटीफुल होती है, लेकिन सही मायने में उस लाइफ को जीने का हर एक का तरीका अलग अलग होता है। हम अपने जीवन को किस तरह से जीना चाहते हैं, ये हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। तो उसने महसूस किया जिन्होंने कि वास्तव में लाइफ इज ब्यूटीफुल, बिकॉज विदाउट फ्रेंड्स योर लाइफ इज नेवर ब्यूटीफुल। केयरिंग और शेयरिंग हैंड्स ऑफ साथ में होते हैं तो लाइफ बहुत अच्छी लगती है। जैन सॉ हिज हाउस बीइंग रीबिल्ट एंड फेल्ट दैट सेम वाज हैपनिंग विद हिज लाइफ टू। जैन ने इस बात को महसूस किया कि वास्तव में उसकी लाइफ, उसका मकान धीरे धीरे करके रीबिल्ट हो रहा था, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, उसका हाउस इधर रीबिल्ट हो रहा था और इधर उसके साथ साथ उसकी जो लाइफ थी, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ थी, वो भी रीबिल्ट हो रही थी। अब उस क्लास में, न्यू स्कूल में उसके ढेर सारे फ्रेंड्स हो गए थे, टीचर्स वर वेरी केयरिंग एंड लविंग फॉर हिम, तो दोनों चीजों में उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनता जा रहा था। एक काइंड वुमन रिटर्न्ड हिज कैट व्हिच हैड रन अवे ऑन बीइंग स्केयर्ड ऑफ द फायर। अब एक दिन और स्ट्रेंज थिंग हैपन्ड हुई, क्या हुआ,
लंबा समय 3-4-5 महीने बीत गए। एक दिन एक काइंड वुमेन, काइंड हार्टेड वुमेन उधर पहुंची और उसके पास में जेन की कैट थी, बिल्ली थी। क्योंकि कैट के गले में जो एक टैग लगा हुआ था उसकी वजह से उसकी पहचान हो रही थी कि ये इनकी है, तो वो उस कैट को वापस करने के लिए आई थी। उसने बताया कि जब तुम्हारे मकान में आग लगी, उस आग से ये कैट स्केयर्ड हो गई, डर गई थी, और बीइंग स्केयर्ड सी रेन अवे, वहां से भागती चली गई, बहुत दूर भाग गई और उस काइंड हार्टेड लेडी के घर में पहुंच गई। उन्होंने उसको पाल लिया था। आफ्टर ए लॉन्ग गैप जब देखा, उन्होंने उस कैट को वापस किया। जेन बिकेम फुल ऑफ लाइफ व्हेन ही रियलाइज्ड दैट लाइफ वाज नॉट अबाउट मटेरियल पजेशंस बट अबाउट लव, अफेक्शन एंड बीइंग विद वंस लव्ड वंस। जेन का जीवन वास्तव में फुल ऑफ लाइफ हो चुका था, फुल ऑफ हैप्पीनेस, खुश हो गया, सब कुछ हो गया, मकान उसका रिबिल्ट हो गया, उसकी मिसिंग कैट उसको मिल गई, अब उसके पास ढेर सारे फ्रेंड्स थे, लविंग टीचर्स थे। उसने महसूस किया कि वास्तव में जो लाइफ है वो केवल मेटीरियल पजेशंस के बेस पर नहीं होती कि हमने अपने घर में फ्रिज टीवी ये सब इकट्ठा कर ले, ना, इट इज नथिंग। लेकिन वास्तव में जो लाइफ है दैट इज अबाउट लव, अफेक्शन, प्रेम हो, स्नेह हो, एंड बीइंग विद वंस लव्ड वंस, एक दूसरे के लिए हमारे हृदय में प्रेम हो, सम्मान हो। अगर ये होगा तो लाइफ बहुत अच्छी है। लिव एंड लेट लिव अदर्स, जियो और दूसरों को जीने दो। अगर ये फीलिंग आपके साथ में है तो लाइफ आपकी हमेशा पॉजिटिव है। तो इस तरह से ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी सीधा सीधा एक बहुत प्यारा मैसेज देती है कि लाइफ हमें जो कुछ भी दे रही है, वी शुड एक्सेप्ट दैट, उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। और विदाउट चैलेंज लाइफ इज नेवर स्वीट, बिना चैलेंजेस के लाइफ कभी स्वीट हो ही नहीं सकती है। स्ट्रगल इज अ कंटिन्यूअल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, और स्ट्रगल वो चाहे किसी भी फील्ड में हो करना ही पड़ता है। सो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक केयर फॉर दैट। So now, pay attention, these are the word meanings, you will note down them, and now question and answer, and one thing you have to care. Summary based per, I have explained you everything, but you have to read your textbook. Word meanings are mentioned here, unke based per aap textbook jarur padhenge, theek? So that the whole thing will be clear. So first question is here, what does the author notice one Sunday afternoon? What is his mother's reaction? What does she do? Ek din Sunday afternoon mein writer ne kis baat par notice kiya? Uski maa ka kya reaction hai aur wo kya karti hai? So now pay attention to the answer. While he was doing his homework, Jen saw smoke coming in through the ceiling. जब अपना होमवर्क कर रहा था आफ्टरनून में बैठे हुआ जेन, तो उसने देखा जो सीलिंग है, छत है, वहां से धुआं नीचे को आ रहा है। द रूम वाज फुल ऑफ स्मोक इन ए फ्यू सेकंड, और कुछ ही सेकंड्स में पूरा कमरा धुएं से भर गया। द रस्ट आउट ऑफ द हाउस, वो घर से बाहर भागे एंड सॉ दैट द रूम वाज ऑन फायर, और देखा कि छत पर आग लग रही है। जेन्स मदर रेन इनसाइड, मां घर के अंदर भागी एंड रेस्क्यूड सम डॉक्यूमेंट्स, और उसने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रेस्क्यू कर लिया, बचा लिया। शी वेंट अगेन टू गेट हिज फादर्स फोटोग्राफ्स, फिर वो दोबारा अंदर गई और उसके पापा के फोटोग्राफ को लेकर आई। एंड लेटर्स विच वर इज ओनली मेमोरीज विद देम, क्योंकि उसके फादर पहले ही एक्सपायर हो चुके थे, अब उसकी माँ के पास केवल उनके पापा का फोटो था और उसके पिता के द्वारा लिखे गए कुछ लेटर्स थे, इसलिए माँ अपने उन स्वीट मेमोरीज को हर कीमत पर पाना चाहती थी। She went at the risk of her own life, she went inside the burning house and rescued. जलती हुई मकान के अंदर अपनी जान हथेली पर लेकर उसकी माँ गई और उसके पिता के फोटोग्राफ और वो लेटर को लेकर आ गई। Why does he break down in tears after the fire?
जब आग पूरी जल गई, सारा घर जलकर राख हो गया, तो उसके आंसू क्यों बहने लगे? जेन फेल्ट दैट एवरीथिंग वाज गोइंग द रॉन्ग वे. ही वाज इन अ न्यू स्कूल, डिड नॉट हैव हिज फ्रेंड्स. नाउ द फायर इज नेट ऑल हिज पजेशंस, नेमली हिज हाउस, क्लोथ्स, बुक्स एंड इवन हिज पेट कैट. जेन दुखी इसलिए था, हर चीज गलत हो रही थी. नए स्कूल में गया था, उसका कोई फ्रेंड नहीं था, टीचर भी वेल नोन नहीं थे, और जो कुछ बचा वो उस आग ने सब कुछ खत्म कर दिया. इसलिए वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में आ गया, दुखी था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज द ऑथर डीपली एम्बरेस्ड द नेक्स्ट डे इन स्कूल. लेखक अगले दिन स्कूल में एम्बरेस्ड, परेशान क्यों? विच वर्ड शो हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी. कौन से शब्द ऐसे हैं जो ये शो करते हैं कि उसके अंदर डर और इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना थी? द ऑथर वॉज एम्बरेस्ड बिकॉज ही डिड नॉट हैव हिज शूज, हिज क्लॉथ्स वर अनयूजुअल, ही डिड नॉट हैव हिज स्कूल बैग एंड बुक्स. द वर्ड शोइंग हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी आर. वो क्यों परेशान था लेखक? क्योंकि उसके पास में शूज नहीं थे, जो उसकी स्कूल ड्रेस थी वो भी मैच नहीं कर रही थी, उसके पास स्कूल बैग बुक्स भी नहीं थे. जो फियर और इनसिक्योरिटी को शो करते हैं वो सब मेंशन ही है कि आई वॉज टोटली एम्बरेस्ड बाई एवरीथिंग, द क्लोथ्स आई वॉज बेयरिंग लुक्ड वेयर्ड, वेयर्ड मीन्स अजीब से लग रहे थे, आई हैड नो बुक्स और होमवर्क एंड माई बैक पैक वॉज गॉन, आई हैड माई लाइफ इन दैट बैक पैक. The more I tried to fit in, the worse it got. Was I destined to be an outcast and a geek all my life? That's what it felt like. I didn't want to grow up, change or have to handle life. If it was going to be this way, I just wanted to curl up and die. ये सारी चीजें उसके दिमाग में आईं. क्या आईं थीं? कि मैं बहुत ही ज्यादा एम्बरेस था. क्यों था? क्योंकि जो क्लॉथ्स मैंने पहने हुए थे वो क्लॉथ्स बहुत ही वेयर्ड, अजीब से थे, स्ट्रेंज लग रहे थे. वेयर्ड मींस स्ट्रेंज, वो बहुत ही स्ट्रेंज लग रहे थे. अब आई हैड नो बुक्स, ना तो मेरे पास बुक थी, ना होमवर्क था, ना मेरे पास बैक पैक था, सब कुछ तो खत्म हो गया. उस बैग में सारी बुक्स थी, कॉपी सब खत्म हो गए थे. आई हैड माई लाइफ इन दैट पैक, उस बैक पैक में मेरा सारा जीवन था. द मोर आई ट्राई टू फिट इन, जितना मैं उन चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था वो उतना ही खराब होती जा रही थी. वाज आई डिस्टाइंड टू बी एन आउटकास्ट एंड ए गीक ऑल माई लाइफ. आउटकास्ट मीन्स होता है ए पर्सन हु हैज बीन रिजेक्टेड बाई देयर सोसाइटी और ग्रुप. ऐसा बंदा जिससे उसकी ग्रुप या उसकी सोसाइटी बाहर निकाल देती है, उसके लिए सब आता है आउटकास्ट. और गीक का मीन्स होता है पर्सन हु इज सोशली अवकवर्ड एंड अनपॉपुलर. ऐसा व्यक्ति जो अनपॉपुलर हो जाता है तो वो सोच रहा था क्या ऐसा मेरे भाग्य में लिखा है कि मैं एक आउटकास्ट बन जाऊंगा या मैं गीक बन जाऊंगा, अनपॉपुलर हो जाऊंगा, मीन्स मेरी सारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी. गीक मीन्स आइडेंटिटी फिनिश हो जाना और आउटकास्ट मीन्स अलग कर देना. That's what it felt like. I didn't want to grow up, change or have to handle life. It was going to be this way. I just wanted to curl up and die. अब इतने सारी टेंशन उस बच्चे को हो गई कि वो केवल ये चाहता था कि बस किसी तरह मैं भी मर जाऊं, कि जब जीवन को मैं सरवाइव करने की स्थिति में नहीं हूं तो फिर बेहतर ये कि मैं भी मर जाऊं. Question number 4. The cat and the author are very fond of each other. How has this been shown in the story? Where was the cat after the fire? Who brings us back and how? Cat के साथ वो बहुत convinced महसूस करता था. क्या हुआ उस cat के साथ? कैसे वापस आई? The cat and its master Jane were attached to each other. Every morning Jane would disturb the cat and wake it. The cat would follow him, climb up his rope, sit in his pocket and sleep there. The cat would remain with Jane all the time while he studied. It would hit its tail on his pen for entertainment. हर समय cat उसी के पास रहती थी. Being pet, वो उसके बहुत close थी. इसलिए वो उसको बहुत ज़्यादा miss करता था.
What actions of the schoolmates change the author's understanding of life and people and comfort him emotionally? How does his loneliness vanish and how does he start participating in life? उसके जो अंडरस्टैंडिंग थी स्कूलमेट्स के लिए वो चेंज कैसे हो गई और आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसके जो loneliness थी अकेलापन था वो vanish disappear हो गया. Jane's classmates were sympathetic and cooperative. मर्सीफुल एंड अंडरस्टूड सिचुएशन. जो क्लासमेट थे उन्होंने उसकी सारी पोजीशन को अंडरस्टूड किया. दे अरेंज्ड ऑल नेसेसिटीज फॉर हिम लाइक क्लॉथ्स बुक्स स्टेशनरी आइटम्स. दे इनवाइटेड हिम ओवर टू देयर प्लेस. ऑल दिस कंफर्टेड जेन. ही केम आउट ऑफ द नेगेटिविटी एंड मेड न्यू फ्रेंड्स. ही रियलाइज्ड दैट ही वाज गेटिंग ए न्यू लाइफ. हर चीज को उसने महसूस किया था. उन क्लासमेट्स ने उसका पूरी तरह साथ दिया. जो भी नीडी थिंग थी उसको प्रोवाइड की और उन्होंने उसके साथ में अलग अलग उन्होंने उसको इनवाइट किया अपने घरों पर और उसके बाद में जितना कोऑपरेट करते थे कर्ज किया. इसलिए उसने महसूस किया कि वास्तव में उसे एक नया जीवन मिल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई. हैड द ऑथर गॉन एनीवेयर. व्हाई डज ही से दैट ही इज ऑल्सो बैक. बहुत प्यारी लाइन है. माई कैट वॉज बैक. मेरी बिल्ली वापस आ गई एंड सो वॉज आई. और मैं भी. इसका क्या मतलब था? क्योंकि राइटर क्या कहीं घर से बाहर गया था फिर उसने ये बात क्यों कही. माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई मीन्स दैट जस्ट लाइक जेन गॉट हिज कैट बैक सिमिलरली ही ऑल्सो गॉट ए न्यू लाइफ. जो उसने सब कुछ खो दिया था वो सब कुछ उसने पा लिया था. उसकी लाइफ रिबिल्ट हो गई थी. इसलिए उसने एक स्टेटमेंट दिया. जब उसको कैट मिली तो उसने ये बात कहा. He came out of the gloom that had surrounded him. No, he had not gone anywhere. He says that he was back, which implies that he got a new life, which was full of affection and warmth. जो उसके क्लासमेट्स ने उसे सपोर्ट किया था, उसकी लाइफ सरवाइव हुई थी, उधर उसका हाउस रिबिल्ट हुआ था, इधर उसको कैट मिली थी. उन तीनों चीजों का उसने कॉम्बिनेशन जो तैयार रेडी किया वो स्टेटमेंट था. माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई. सो द मैसेज ऑफ द स्टोरी इज वेरी क्लियर. अप्स एंड डाउन्स ऑलवेज टेक टेस्ट ऑफ ह्यूमन. उतार चढ़ाव जो होते हैं वो मनुष्य के जीवन का हमेशा इम्तिहान लेते हैं. इट इज द मैन हु फेस देम बोल्डली. ये केवल मनुष्य ही है जो वास्तव में उनको बड़ी हिम्मत से फेस कर सकता है. सो वी शुड नेवर गो डाउन before the opposite situations, opposite conditions, critical conditions, में हमें कभी bow down नहीं करना चाहिए. We should have patience रखना चाहिए, क्योंकि जब problems आती हैं तो उनका solution भी उन्हीं के साथ में आता है. केवल problems आती हैं ऐसा नहीं होता. Every problem has its own solution in itself. हर problem का solution उस problem के अंदर ही छिपा होता. So dear student, now you have to read the whole lesson with the help of the word meanings. Note down all the beautiful words there in your notebook, and these are the selected question answers. Okay, and never miss down this. Never miss to note down your comments, your any problem in your notebook, or you can contact me. Okay, so. Now the chapter is over. Enjoy at home. Stay home. Have a nice day. See you again.